नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एक और तोहफा बिहार वासियों को दिया है। अब ये आपको बता दें, इस वक्त हम खड़े हैं पटना के रेलवे स्टेशन पे, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे वंदे भारत ट्रेन लगी है। आपको बता दें, ट्रेन जो है पटना से हावड़ा के लिए रवाना होगी और जो लोग सफ़र करते हैं पटना से हावड़ा के लिए, अब वो 6 घंटे में ही पटना से हावड़ा पहुँच जाएंगे। तो आइए आज हम आपको ट्रेन के अंदर ले जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेन के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं। कैसा लग रहा है सर, अब पटना से हावड़ा पहुंच जाएंगे 6 घंटे में? इससे तो बढ़िया सुविधा कभी मिला ही नहीं था। अच्छा जी, हम लोग तो चाहेंगे कि इस तरह की ट्रेनें बहुत सारी खुलें। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। अच्छा, ये दूसरी ट्रेन मिली है बिहार को? जी हाँ। तो कैसा लग रहा है, इससे पहले रांची के लिए भी ट्रेन मिली थी? भारत मिली थी। हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की और सारी ट्रेनें मिले। अच्छा, ऐसा कुछ ट्रेन को देखकर लगा कि और कुछ सुविधा होनी चाहिए इसमें? नहीं, इसमें तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। है जी, और कोई सुविधा की जरूरत नहीं? नहीं, इसमें और कोई सुविधा की जरूरत नहीं है। सर, क्या कुछ सुविधा है सर इस ट्रेन में? मैम, सुविधा ही सुविधा है। समय बदल, थोड़ा विस्तार से बताएं। समय बदल गई, पूरी ट्रेन बदल गई। अच्छा। है ना, सेफ्टी के लिए डोर ऑटोमेटिक हो गया है ना, ब्रेकिंग सिस्टम हाई लेवल का टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कल्चर आ गया, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी आ गया, कैमरा है प्रोटेक्शन के लिए, कस्टमर को माइक्रोफोन दिया हुआ है, चैन कूलिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और सर, मतलब इसकी रेट, मतलब जो चार्ज है, चार्ज को लेकर जनता परेशान रहती है, तो फिर चार्ज क्या रहेगा? चार्ज अभी स्टार्टिंग चार्ज ये रखा गया है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, लेकिन सुविधा को देखते हुए हिसाब से कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। आने वाले समय में बहुत जल्दी चार्ज भी और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कम करेगा ही करेगा। सिर्फ चेयर कोच ही है या फिर स्लीपर की भी? नहीं, स्लीपर नहीं है, लेकिन स्लीपर कोच आने वाली है। अच्छा। अभी तो चेयर कोच ही है। अच्छा। तो बाकी और भी क्या कुछ व्यवस्था है जो पहले नहीं देखी जा रही थी और अब इस ट्रेन में, वंदे भारत में नया? सेफ्टी बहुत बड़ा इसमें मैम, सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान रखा गया है। हर कोच में कैमरा लगा हुआ है, हर उसके बाद सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रिकॉर्डिंग है, माइक्रोफोन है, गार्ड के साथ, ड्राइवर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कोच से ही कर सकते हैं। ये सब सुविधा इसमें है। हर किसी पैसेंजर को कोई इमरजेंसी है, अगर ट्रेन रुकवानी है या ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं बटन दबा करके ड्राइवर से, और आपका फ़ोटो भी वहाँ आएगा कैमरा के थ्रू कि आप कौन, किस कोच से कौन बंदा हमसे क्या बोलना चाह रहा है, ट्रेन रुकवाना है, क्या परेशानी है। अच्छा। और उसके हिसाब से ट्रेन को रुकी जा सकती है। अच्छा, जैसे नॉर्मल ट्रेनों में चेन होती थी खींचने के लिए, तो वो उसी का काम? वो चेन की गाड़ी रुकेगी नहीं, पहले ड्राइवर को बताइएगा अपनी क्या बात है, उसके आधार पर ड्राइवर आपको डिसाइड कर सकता है। अच्छा। कि यहाँ गाड़ी रोकनी है या क्या करनी है। अच्छा, ड्राइवर चाहे तो नहीं भी रोक सकते? हाँ, अगर ऐसा नहीं समझता है, इमरजेंसी है, तो नहीं रोक सकता है। इमरजेंसी केस के लिए वहाँ अलार्म कूलिंग वहाँ पर है। हाँ, वो सामने है जो आपको पुश बटन अलार्म है ना, अलार्म बटन है, कोई प्रॉब्लम? इमरजेंसी जो आप बोल रहे हो, इमरजेंसी वो है। हावड़ा जा रहे हो? हाँ, हावड़ा जा रहे। कैसा लग रहा है, 6 घंटे में पहुँच जाओगे हावड़ा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इससे पहले ऐसा सोचे थे कि 6 घंटे में हावड़ा पहुँच? नहीं नहीं, इससे पहले नहीं, पहले बहुत टाइम लगता था। अच्छा, कितना टाइम लगता था? 12 घंटा लगता था। अच्छा, रात में चढ़ते थे, सुबह पहुँचते थे। अच्छा सर, आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चे। कैसा लग रहा है सर, 6 घंटे में हावड़ा पहुँच जा रहे हैं? हाँ, पहले थोड़ा टाइम लग जाता था ज़्यादा, अब तो थोड़ा टाइम पर पहुँच जाएंगे। तो किस तरीके से आपने देखा कि जितनी भी सुरक्षा है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी ट्रेन के अंदर काफ़ी सारे काम किए गए हैं और आधुनिकता से लेस है पूरी तरह से ये ट्रेन, और जो है जनता वो काफ़ी खुश नजर आ रही है इस ट्रेन के आने से। आप किस वीडियो पर कह रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।